नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेस्ट होंगे और आप के डिमांड के अनुसार अब हमने डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का थोड़ा बहुत क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। मैथ का डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का क्लास पूरी तरीके से फिनिश कर दिया गया है। चाहे आपका मैराथन क्लास हो, चाहे आपका राजन सीरीज हो, चाहे आपका पवन सीरीज हो, चाहे आपके बुक के निचोड़ हो, सब हमने दे दिए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर भी 4 साल का हमने दे दिया है, इस बार का भी करा दिया है। आप चाहें तो आकर देख सकते हैं। तो जो बच्चे 2019 बैच के हैं या फिर जिनका बैक है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ में, वो बहुत बेहतरीन तरीके से अभी से लग जाइए। कल हमने साइंस पर डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के साइंस के सिलेबस पर डिस्कस किया था और आज हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के एसएसटी पर डिस्कस करेंगे। डेली एक लेक्चर अब आपका आता रहेगा, चाहे वो साइंस का चाहे वो एसएसटी का, रैंडमली, ठीक है। आप डेली उसको फॉलो करते रहेंगे। तो ये पहला हमको पढ़ना है सिलेबस में साथी, 1857 की क्रांति के ऊपर पूरा। यह क्यों हुआ, किस आधार पर हुआ, तात्कालिक कारण क्या थे इसके, इसकी स्वतंत्रता प्राप्ति के मतलब इसके इसका संकेत क्या था, मतलब इसका एक तरह से कह लीजिए प्रतीक क्या था, जैसे कि कमल और रोटी इसका प्रतीक था, सारी बात करेंगे बेहतरीन तरीके से। बस आज सिलेबस देख लीजिए। दूसरी बात करेंगे साथी, धार्मिक तथा सामाजिक सुधार जितने हुए हमारे भारत में, जैसे कि बात करें सामाजिक सुधार। मांत्रा पे मत जाइएगा भाई, मांत्रा हमारे ऐसे गलत होते रहते हैं। धार्मिक और सामाजिक सुधार, राइटिंग पे भी मत जाइएगा ना ही मात्रा पे जाइएगा, बस जाइएगा तो किस प्रकार से मास्टर राव पढ़ा रहा है इस पे जाइएगा। धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन कितने हुए भारत में, जैसे ब्रह्म समाज हुआ, प्रार्थना समाज हुआ, आर्य समाज हुआ, रामकृष्ण मिशन हुआ, थियोसोफिकल सोसाइटी हुआ, मुस्लिम धार्मिक आंदोलन हुए, सर सैयद अहमद खां का हुआ, मतलब जो करवाए थे मुस्लिम आंदोलन धार्मिक आंदोलन, यह सर सैयद अहमद खां ने करवाया था। इन सारी बातों पर एक एक लेक्चर आया करेगा, आराम आराम से चलेंगे। 2 महीने अभी अगर मान ले, 2 महीने भी एग्जाम के हैं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके, वैसे तो मान सकते हैं 3 से 3.5 महीने आपके एग्जाम हैं, तो बहुत ही धीरे धीरे चलेंगे, एक एक चीज़ को समझाते चलेंगे, पूरा तरीके से खत्म करेंगे। तीसरा चीज़ आपको पढ़ना है साथी, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन इसके बारे में जिक्र करेंगे बेहतरीन तरीके से साथी। इसमें क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म कब हुआ, बंग भंग, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चोरी चोरा कांड 1919, काकोरी कांड 1928 वाला, स्वराज दल की स्थिति मतलब कि 1916 में स्थिति हुआ था साथी। इसके बाद खिलाफत आंदोलन 1920 में, बारदोली सत्याग्रह 1928-27 में, तो ये सारी बात हम करने वाले। नेहरू रिपोर्ट 19 अगस्त, समझ रहे, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, नेहरू रिपोर्ट 1931 में, ये सारी बात हम करने वाले हैं इसमें। इसके बाद पूर्ण स्वतंत्रता की मांग 1929 लाहौर अधिवेशन, याद रखना 1929 के बाद 1930 में झंडा फहराया गया था। 1930 में कोई भी कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था, याद रखें 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, लाहौर अधिवेशन उसे कहते हैं। तो पूर्ण स्वराज की मांग इस पर चर्चा करेंगे बेहतरीन तरीके से मेरे साथी। इसमें जिन्ना की 14 शर्तें थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन था, है ना, यह प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यह था, गांधी इरविन समझौता था, 11 सूत्री मांग थी, ये सारी बातें हैं, है ना, ये सारी बात चर्चा करेंगे। और भारत छोड़ो आंदोलन था इसमें, है ना, ये सारी बात थी। इसके बाद भारत राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख उदार एवं राष्ट्रवादी नेताओं का योगदान, जैसे महात्मा गांधी का क्या योगदान रहा, जवाहरलाल नेहरू जी का क्या योगदान रहा, हमारे तिलक जी का क्या योगदान रहा, हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी का क्या योगदान रहा, उग्रवादी नेता थे, भगत सिंह का क्या था, ये सारी बात करेंगे। लोक न्याय, बाल गंगाधर तिलक जी का क्या था, लाला लाजपत राय जी का क्या था, लाठी लगने के बाद सॉन्डर्स की हत्या हमारे भगत सिंह जी किए थे उसका बदला लेने के लिए, आपको पता है कि नहीं, सारी बातें करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। कौन सा क्रिप्स मिशन आया था ना 1928 में, उसी में हुआ था सारी चीज़ें। इसके बाद यहाँ पे ये तो इतिहास का पोर्शन था, अब आ जाते हैं ज्योग्राफी वाले पोर्शन पे, जलवायु मौसम में अंतर है साथ ही, इस पे चर्चा कर लेंगे। भारत के प्राकृतिक प्रवेश, जैसे बनावट हो गया, जनजीवन हो गया, कृषि हो गया, इन सब पे चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक प्रदेश कितने हैं साथी, इस पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश जीके समझ लीजिए, इस पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश की खनिज संपदा, शक्ति साधन, कृषि की व्यवस्था कैसी है, इस पर चर्चा करना है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख आयात निर्यात कैसे होते हैं, बंदरगाह कितने हैं पूरे भारत में, जलमार्ग की स्थिति क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत कितने हैं, है ना, जैसे कि आगरा का ताजमहल, इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं ना, बाबर द्वारा बनवाया गया था, अकबर द्वारा बनवाया गया था, बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ क्या है, प्रकार कितने होते हैं पर्यावरण प्रदूषण के, जैसे कि जल प्रदूषण, थल मतलब कि वायु प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया, ये सब प्रदूषण ही तो हैं, इसके बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था, 1945 में हुआ था,
24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, सारी बात करेंगे। साथ ही इसमें एक तरह से गुटेन को कोई करके उसका हेड है, उसमें 196 देश हैं, दक्षिण सूडान लास्ट में उसमें जुड़ा, तो सारी बात हम करेंगे, ठीक है ना। उसमें सुरक्षाकर्मी करके आते हैं, उसमें 5 अस्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य हैं, 2022 तक भारत भी उसमें इंक्लूड है, ये सारी बात हम करेंगे। उसमें जनगणना की स्थिति क्या है हमारे पूरे भारत में, उत्तर प्रदेश में, उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही नागरिक सुरक्षा के बारे में हम बात करेंगे, है ना। इसके बाद आपके भारत की गरीबी के कारण क्या हैं, इस पर चर्चा करेंगे। बेरोजगारी के प्रकार कितने होते हैं, एक तरह से प्रचंड बेरोजगारी क्या होता है, इस पर चर्चा करेंगे। साक्षरता दर कितनी है भारत की, यह पूरा जनगणना में आ जाएगा आपका, ठीक है। गैर सरकारी संगठन किसे कहते हैं, जैसे NGO, जैसे कि नीति आयोग हो गया, है ना, और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जो आपका एक और कानून बनाया गया था ना 2011-2013 में, कौन सा आया था एक भाई, देखो नाम स्किप कर रहा है दिमाग से, गैर सरकारी संगठन हो गए, चिकित्सा के एकता, राष्ट्रीय एकता के प्रकार, विविधता और एकता, राष्ट्रीय एकता का प्रभाव, प्रतीक, ये सब क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। आतंकवाद, सांप्रदायिकता तथा जातिवाद, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के संरक्षण हेतु संवैधानिक प्राविधान, भारत के शक्ति की प्रयास क्या क्या रही, इसको जुटाने में या अलग हुआ तो इसको फिर से एकता बनाने में, ये सारी बातें हैं, इस पर चर्चा करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था पर चर्चा करेंगे साथ ही, है ना, और भूमंडली तथा सांख्यिकी परिचय के आंकड़े को पर चर्चा करेंगे। ये बातें नहीं, बस इतना चीज़ें पढ़ना है हमें बहुत ही बेसब्री से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। पहले हिस्ट्री खत्म करेंगे, फिर हम आएंगे जो आपके भूगोल वाले पोर्शन हैं, इस तरह से सारे खत्म होंगे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिएगा, हमने बल्कि लिखा नहीं, बोल दिया, कम समय में बोल दिया, आप सुन लीजिएगा, लिख लीजिएगा वीडियो पॉज कर करके, जिससे कि आसानी हो। और यह बहुत ही बेहतरीन, हम ये नहीं कहते कि बहुत बेहतरीन वीडियो बने, सजा सजा के लिख दें तो बच्चे आए बस छाप कर चले जाएँ, भले गलते मलते पढ़ा दें, तो नहीं, हम जो भी बताएंगे अपने मन से बोलेंगे, मतलब अपने मन से मतलब कि जो भी चीज़ें बोलेंगे आपको कहीं रटा रटाया नहीं, साथ ही बहुत ही बेहतरीन तरीके से कहानी के माध्यम से आपका SST पूरा कंप्लीट करा देंगे। जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर में पढ़े हों वह तो खुद बता सकते हैं आपको किस प्रकार से उनको पढ़ाया गया है। धन्यवाद।